Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Review College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all an educationist whose ideas I have to discuss with you, that is educational ideas of Sir Syed Ahmad Khan or Syed Ahmad Khan. Okay? तो ये जो टॉपिक है ये रह गया था और आपसे सारे एजुकेशनिस्ट जो आपके सिलेबस में हैं मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे, सैयद अहमद खान साहब रह गए थे। तो थोड़ा सा टाइम की पॉसिटी है, मैं इसका पीपीटी नहीं बना पाई, आप इसको वर्ड फाइल पे समझ लीजिए, बाद में कभी पीपीटी शेयर हो जाएगा आपसे। तो हमने बहुत सारे शिक्षाविद पढ़े हैं जिनके शैक्षिक विचारों को हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है कि उनके विचारों ने कैसे क्रांति ला दी शिक्षा जगत में। उसमें से एक सर सैयद अहमद खान भी है। सर इनके नाम के संग लगाए क्योंकि इनको ब्रिटिशर्स ने ये उपाधि दी थी, तो सैयद अहमद खान सर इनकी उपाधि है। तो सैयद अहमद खान कौन थे? ही इज अंडरस्टूड या ही वॉज अंडरस्टूड एज द हार्बिंगर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन अमंगस्ट मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया, यानी कि जो दक्षिण एशिया के मुस्लिमों की शिक्षा के लिए, मतलब कहा जाता है कि उन्होंने आधुनिक शिक्षा के वो प्रणेता थे, आधुनिक शिक्षा को वो मुस्लिमों के बीच में लाने वाले थे। देयर इज अ जनरल स्कॉलरली कंसेंसस दैट इट वाज थ्रू हिज एजुकेशनल एफर्ट्स द इंग्लिश मीडियम एजुकेशन केम टू मुस्लिम्स हु वर अदरवाइज अलाइंड विद द ट्रेडिशनल रिलीजियस एजुकेशन। यहाँ तक कहा जाता है जनरल स्कॉलरली कंसेंसस है, मतलब पढ़े लिखे लोग इस पर एक मत है कि उनके ही शैक्षिक प्रयासों के द्वारा मुसलमानों के बीच में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा आई, अदरवाइज वो लोग ट्रेडिशनल रिलीजियस एजुकेशन में ही रह जाते अगर सैयद अहमद खान इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो इन द वर्ड ऑफ हिस्टोरियंस लाइक ताराचंद, सैयद अहमद वाज सिंगुलरली रिस्पांसिबल फॉर ब्रिंगिंग आउट द मुस्लिम कम्युनिटी फ्रॉम द स्लॉ ऑफ डिस्पोंडेंसी। जैसे बहुत सारे अगर इतिहासविदों की बात करें तो उसमें से ताराचंद कहते हैं कि सैयद अहमद सिंगुलरली रिस्पांसिबल, मतलब अकेले ही वो जिम्मेदार हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम समुदाय को निराशा के दलदल से बाहर निकालने के लिए। मतलब आप किसी का भी जब फिलोसफी पढ़ा करिए, उनके विचारों को पढ़ा करिए, तो उनका देश काल परिस्थिति हमें समझना बहुत जरूरी है। मतलब उस वक्त देश आजाद नहीं है, देश में शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है, उसमें से मुसलमानों की और भी ज्यादा खराब थी कुछ राज्यों में, जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो कुछ जो रिवोल्यूशनरी विचारधारा के लोग हुए उन्होंने इस दशा से निकालने का प्रयास किया, या हिंदुओं को या मुसलमानों को, जिसके जिसके जो जो प्रणेता हुए। तो उसमें से सैयद अहमद खान मुसलमानों को की शिक्षा दीक्षा के पुनर्विचार के लिए, पुनर्जागरण के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार माने जाते हैं। सैयद अहमद खान रीइटरेटेड द पोजीशन हेल्ड बाय द हंटर कमीशन व्हिच कंक्लूडेड दैट मुस्लिम्स वर एजुकेशनली बैकवर्ड एंड पुट द ब्लेम फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स ओनली सोलली ऑन देयर रिलीजियस प्रोक्लिविटीज। देखिए, आपको बहुत सारे कमीशन बार बार आपके सामने आए हैं। अगर आपको याद हो तो हंटर कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन कहा जाता है और ये 1882 में आया था। तो इन्होंने हंटर कमीशन के ही विचारों को, मतलब प्रतिवेदित किया उसको, उस पर बल दिया, उसको सही बताया कि जो मुसलमान है वो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और उन्होंने ये माना कि उनकी शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण जो उनकी धार्मिक प्रोक्लिविटी है वो है। तो फिर पर्पसेस ऑफ एजुकेशन अगर देखें कि हम शिक्षा का उद्देश्य क्या माने, तो सैयद अहमद खान तीन मुख्य उद्देश्य शिक्षा के मानते थे। उस वक्त आपको समझना पड़ेगा, वो उद्देश्य आज सही नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू हिम पर्पस ऑफ एजुकेशन वॉज दैट इट वुड प्रोवाइड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर मुस्लिम्स। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम पढ़ लिख जाएंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा हो जाएगी, तो उनको सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं। सैयद अहमद हैड टाइम एंड अगेन टोल्ड मुस्लिम्स दैट द ओनली वे दैट मुस्लिम्स कुड ब्रिंग बैक देयर लॉस्ट ग्लोरी वॉज थ्रू एजुकेशन। उन्होंने बार बार कहा कि जो आपका खोया हुआ गौरव है उसको आप सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से प्राप्त कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए मैंने कहा उन्होंने, इट इज important to understand that Sayyid Ahmad was deeply troubled by the fall of Muslims in terms of social status and prestige. और ये भी ये महत्वपूर्ण है समझना कि सैयद अहमद deeply troubled थे, मतलब बहुत बुरी तरह से वो परेशान थे, मन से वो परेशान थे ये सोचकर कि मुसलमानों का कैसे जो सामाजिक स्थिति है और प्रेस्टीज है उसमें गिरावट आई है, क्योंकि शिक्षा दीक्षा से वो अलग हो गए हैं। The second purpose of education for Sayyid Ahmad was to breed loyalty to the British Empire. देखिए, ये इस पर बहुत क्रिटिक भी है, बहुत से लोग उनको देश विरोधी भी मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनके, मतलब इन जेस्चर्स को डिस्कस करने के लिए नहीं है, सिर्फ जो शिक्षा भी उन्होंने किया, शिक्षा में क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया, हमारा लेना देना
इस टॉपिक पर सिर्फ उससे है। तो ये भी वो शिक्षक ये मानते थे कि हमको ब्रिटिश एम्पायर के प्रति लॉयल होना चाहिए। थ्रू आउट हिज राइटिंग्स ही कॉशियस मुस्लिम्स नॉट टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द कांग्रेस पार्टी व्हिच वाज डिमांडिंग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एट दैट टाइम। और बहुत से उन्होंने अपने लेखों में ये कहा कि मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, उनको ब्रिटिशर्स का अपोज नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके उनका उनके साथ जाने में ही उनका हित है, ऐसा उन्होंने कहा। He tells Muslims that their future lies in cooperating with the British rather than opposing them. उन्होंने मुसलमानों से कहा कि उनका हित जो है वो जो ब्रिटिश राज है उसका सहयोग करने में है, ना कि उसका विरोध करने में। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश एजुकेशन के हिमायती थे और उनको पता था हम संख्या में कम है, जनबल में कम है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, इसलिए वो चाह रहे थे कि भिड़िए नहीं और आप सीख जाइए कुछ नया अगर आपका सीखने के लिए आपको मिल रहा है। तो ये उनकी मेंटालिटी थी। उन्होंने कहा इंग्लिश एजुकेशन वाज सपोज्ड टू इनकल्केट विद इन मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश एम्पायर। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा मिलेगी मुसलमानों को तो उनके अंदर ये भाव जागृत होगा कि वो ब्रिटिश एम्पायर के प्रति लॉयल होंगे। सैयद अहमद वाज अ डीपली रिलीजियस मैन, वो धार्मिक आदमी थे। फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज करियर ही वाज ट्राइंग टू प्रूव दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन इस्लाम एंड साइंस। और बहुत अपनी जिंदगी के बहुत साल उन्होंने यही तय करने में, यही सिद्ध करने में बिताए कि इस्लाम और विज्ञान में कोई विरोध नहीं है। He assumed that modern sciences exist to validate the knowledge already presented in Islamic religious texts like the Quran. और उन्होंने ये माना कि जो आधुनिक विज्ञान है exist to validate, actually वो क्या करता है, जो कुरान में पहले से लिखा हुआ ज्ञान है उसी को validate कर रहा है, उसका विरोध नहीं कर रहा है। There is an argument that Sayyid Ahmed Khan was not opposed to the education of low castes or women. Rather, he wanted first the upper caste Muslim men should get educated and then slowly but surely education percolated to the other sections of the Muslim. ये भी एक तर्क दिया जाता है कि सैयद अहमद खान जो लोअर क्लास है, जो निचला तबका है और महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि पहले फर्स्ट इंस्टेंस में देखिए सबको एक साथ तो शिक्षित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले जो है वो मुसलमान आदमी जो है अपर कास्ट के वो भी वो शिक्षित हो जाएं, फिर धीरे धीरे जैसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी उस वक्त चलती थी, मुसलमान सॉरी ब्रिटिशर्स भी इसको मानते थे, तो उन्होंने कहा धीरे धीरे छन कर शिक्षा नीचे तक भी आ जाएगी, लोअर तबके तक आ जाएगी, ऐसा उनका मानना था। फिर सैयद अहमद खान ट्विन Objectives of educational reforms in British India. अगर उनके हम मतलब ब्रिटिश काल के जो का जो भारत था उसमें अगर इनके शैक्षिक सुधारों की बात करना चाहें तो दो इनके मुख्य उद्देश्य थे। पहला, he was committed to both Indian Muslim socio-cultural advancement and to building a pluralist and progressive nation state in modern India. देखिए कई लोग उनको हिंदू विरोधी भी मानते हैं, पर हम जो लेखों में लिखा है उसमें है कि जो उनका उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जो भी कॉलेजेस थे उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम पढ़ रहे थे, मुस्लिम पढ़ा रहे थे, नॉन मुस्लिम्स भी पढ़ा रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, मेनली मुस्लिम्स की शिक्षा दीक्षा के लिए वो प्रयास रखते, पर उन्होंने बाकी लोगों के लिए भी सोचा। सैयद अहमद वॉज कमिटेड टू बोथ इंडियन मुस्लिम, कह रहे हैं कि दोनों मतलब भारतीयों और मुसलमानों के सामाजिक सांस्कृतिक उद्धार के लिए उन्होंने काम किया और वो इस तरीके के समाज का निर्माण करना चाहते थे जो प्लूरलिस्ट हो, जिसमें बहु लोगों को मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके के धर्म को सबको मानने वालों को हम आगे ले जा सकें, एंड प्रोग्रेसिव मतलब हम प्रोग्रेसिव हों, मतलब हम उन्नति के पथ पर अग्रसर हों, नेशन स्टेट इन मॉडर्न इंडिया वो बनाना चाहते थे। ही कंसिडर्ड मॉडर्न एजुकेशन इज द बेस्ट पाथ टू रियलाइजिंग बोथ गोल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और वो ये मानते थे कि जो आधुनिक शिक्षा है, जो अंग्रेजी शिक्षा है, वो इसको उससे ये हासिल किया जा सकता है। मोर ओवर He saw modern education as perhaps the most important platform for developing better Hindu-Muslim relations. वो ये भी मानते थे कि जो आधुनिक शिक्षा है वो Hindu-Muslim relations को बढ़िया करने के लिए, develop करने के लिए बढ़िया platform है। In articulating his thoughts on the pursuit of modern education for both Muslims and Hindus, Sayyid Ahmed emphasized the importance of making the right decision in choosing the languages of instruction. और Sayyid Ahmed ये इस पर मतलब बहुत बल देते थे कि किस भाषा में पढ़ाया जाए। His concern regarding the native language as a medium of educational instruction has to be understood together with his broader issue of the pursuit of modern language. और वो मानते थे कि किसी देशी भाषा में शिक्षा दी जाए तो बच्चों को स्टूडेंट्स को बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, फिर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम, क्या माना, क्या देखा, क्या महसूस किया है अहमद खान साहब ने कि उस वक्त भारतीय शिक्षा में क्या दिक्कतें थी। तो उन्होंने पाया कि देयर वाज अ लैक ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बिकॉज वो एक डीपली रिलीजियस आदमी थे तो वो मानते थे कि धार्मिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सॉरी,
और वो ये मानते थे कि धार्मिक शिक्षा की कमी है जो गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। देयर वाज अ वाइड स्प्रेड, मतलब उनके हिसाब से ये एक दिक्कत थी। देयर वाज अ वाइड स्प्रेड बिलीव दैट द न्यू कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड डिसबिलीफ इन वन स्पेड, और ये बहुत उस वक्त ये विश्वास था कि ये जो कॉलोनियल एजुकेशन है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, वो हमारे हमारे मतलब जो हमारे फेथ है, हमारा रिलीजन है, उसमें डिसबिलीफ पैदा कर रही है, तो उसको भी ये गलत मानते थे। देयर वॉज अनवॉरंटेड प्रेजुडिस ऑफ मुस्लिम्स अगेंस्ट द स्टडी ऑफ इंग्लिश, और वो ये भी एक कमी मानते थे कि जो मुसलमान है उनके अंतर्गत एक प्रेजुडिस है, एक भेदभाव है, वो एक बायस है इंग्लिश एजुकेशन के प्रति, वो भी गलत है। फोर्थ, द गवर्नमेंट्स एजुकेशनल सिस्टम वाज डिफेक्टिव, और ये मानते थे कि जो सरकारी शैक्षिक तंत्र निकाय है वो दोषपूर्ण है, और वो ये भी मानते थे कि देयर वर प्रॉब्लम्स विद द हैबिट्स कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ पीपल एंड द लैक ऑफ रिलीजियस नॉलेज, मतलब जो उनका माइंडसेट था हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, हम यहां पर ये नहीं आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि वो सही था कि गलत। फिर हिज लीगेसी, अगर उनके बारे में बात करें तो चूंकि वो ब्रिटिशर से बहुत प्रभावित थे, ब्रिटिश एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन को भारतवर्ष में प्रसारित करना चाहते थे कि लोग अंग्रेजी शिक्षा को हासिल करें, ये भी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल्टी अपनी शो करें, तो ब्रिटिशर्स ने भी इनको सम्मान दिया, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को स्वीकार किया। द ब्रिटिश रिकोगनाइज हिज लीडरशिप क्वालिटीज एंड देयर ट्रस्ट इन हिम प्रूव्ड यूजफुल टू हिज एजुकेशनल रिफॉर्म इनिशिएटिव्स, ब्रिटिशर्स ने उनकी जो जो नेतृत्व की क्षमता थी उसको पहचाना और उनकी इस जो पहचान लिया उसको, उससे इनके शैक्षिक सुधारों के इनिशिएटिव में बहुत हेल्प मिली, बहुत यूजफुल रहे। इन 1864 ही वाज इलेक्टेड ऑनररी फेलो ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स स्कॉलरली स्टैंडिंग, जो इनका स्टैंड था एकेडमिक बातों को लेकर, शिक्षा को लेकर, उसके लिए 1864 में इनको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन का ऑनररी फेलो चुना गया। ड्यूरिंग हिज 1869 टू 1872 विजिट टू इंग्लैंड, ये 1869 से 1872 के बीच में इंग्लैंड भी गए थे और क्वीन विक्टोरिया से मिले थे। इसके बाद इनको कंपेनियन ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का दर्जा मिला एंड ऑल्सो द सेक्रेटरी फॉर इंडिया ड्यूरिंग हिज विजिट टू ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज एज वेल एज टू सम अदर कॉलेजेस। ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी गए और अदर कॉलेजेस भी गए, वहां इनको बताया गया कि ये सेक्रेटरी फॉर इंडिया है और उसने इनको प्रेरित किया कि भारत में भी इस तरीके के संस्थान खोले जाए। On 24th May 1875, in commemorating Queen Victoria's birthday, he opened the Mohammedan Anglo-Oriental Collegiate School, which was named Mayo College 2 years later. मतलब ये सब देख के आए, सब बहुत प्रभावित हुए कि ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज भारत में क्यों नहीं है। फिर 24 मई 1875 को क्वीन विक्टोरिया का जन्मदिन की याद में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजिएट स्कूल खोला, जिसको बाद में मेयो कॉलेज का नाम दिया गया। दिस कॉलेज became a center for knowledge and political movement and a symbol of India's multi-religious, multicultural and multilingual community. और ये जो कॉलेज था ये एक सेंटर बन गया, एक केंद्र बन गया, ज्ञान और राजनीति की वहाँ बातें हुई, वो एक चिन्ह बन गया, प्रतीक चिन्ह बन गया कि भारत जो एक बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक और बहुभाषिक देश है, तो उसको वो ये रिप्रेजेंट करेगा, ऐसी बात हुई। सैयद अहमद वॉज रॉन्गली ब्लेम्ड बाई क्रिटिक सैयद अहमद वॉज रॉन्गली ब्लेम्ड बाई क्रिटिक for having established this institution only for Muslim education, while in fact its curriculum and its appointments of non-Muslim administrators proved that it was open to all Indians. ये गलत उनके बारे में कहा जाता है, आलोचक कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मुसलमानों के लिए ये खोला, बल्कि ऐसा नहीं है, non-Muslims भी वहाँ कार्यरत थे और पढ़ रहे थे। लास्ट नहीं, एक और है, एजुकेशन एंड द परस्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो शिक्षा है वो इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ाने का काम कर सकती है। उन्होंने कहा कि वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफन रिपीटेड इन सैयद अहमद राइटिंग्स एंड स्पीचेस वाज हिंदू मुस्लिम कल्चरल सिम्बायोसिस, वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम की जो सांस्कृतिक एकता बनी रहे, सौहार्द बना रहे, उन्होंने अपने लेखों में ये लिखा इन दी फे, और ये मानते थे कि शिक्षा ये कर सकती है। In the face of new challenges confronting Hindu-Muslim relations under the British divide and rule policy, he took pain to emphasize that Muslims have been influenced by Hindu culture, habits and customs and adopted them in their daily lives. Vice versa, Hindus too have also been similarly influenced by the Muslims. मतलब उन्होंने माना कि चूंकि ये जो हिंदूज हैं वो मतलब प्रभावित हुए हैं, जो मुसलमान हैं उनके कल्चर, हैबिट, कस्टम और उनको उन्होंने अडॉप्ट भी किया है, उसी तरह से हिंदुओं ने प्रभावित भी किया है मुसलमानों को अपने कल्चर से। फिर सैयद अहमद
बाद सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स टू क्रिएट इंडियाज मॉडर्न नॉलेज कल्चर, तो क्या कहा जाए कि किस तरह से उन्होंने सभ्य समाज में अपने 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 इनिशिएटिव से एक ऐसे भारत के निर्माण की कोशिश की जो कि ज्ञान विज्ञान ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बने। तो उसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि ही इन्विजन हिंदू मुस्लिम इंटेलेक्चुअल कोलेबोरेशन इन दी क्रिएशन ऑफ ए कॉमन मॉडर्न इंडियन इंटरकल्चरल कल्चर इंटेलेक्चुअल कल्चर। मतलब वो ये मानते थे कि हम हिंदू मुस्लिम एक साथ आ जाएं, पढ़े लिखे, इनमें सांस्कृतिक सौहार्द हो, बौद्धिक रूप से वो कोलेबोरेट करें और एक मॉडर्न इंडिया बनाएं जो कि एक इंटेलेक्चुअल कल्चर हो और नेशनल यूनिटी वहां पे हो, स्पेशली गुड कम्युनल रिलेशंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और भारत सॉरी हिंदू और मुसलमानों में एक अच्छा कम्युनल रिलेशन कौमी एकता बनी रहे। He was aware that to create such a culture, a common literary language was needed. और वो ये मानते थे कि इस तरीके का अगर हम निर्माण करना चाहते हैं तो हमको एक कॉमन भाषा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और उसके लिए इन्होंने उर्दू को प्रपोज किया। उन्होंने कहा उर्दू ये रोल प्ले कर सकती है, और ब्रिटिश इंडिया में 1832 में उर्दू को पहली बार ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया भी गया था। उर्दू इन इंडिया बोथ एज ए स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज डिड नॉट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, नाइदर हिंदू नॉर मुस्लिम, इट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम एसोसिएशन। मतलब इन्होंने कहा कि उर्दू ना हिंदुओं की भाषा है ना मुसलमानों की भाषा है, बल्कि ये एक हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानी कहा गया इसको, भाषा है जो दोनों के लिए उपयुक्त हो सकती है क्योंकि ये दोनों की एकता का प्रतीक है। सैयद अहमद सेकंड सोशल सॉरी सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ए मॉडर्न नॉलेज कल्चर वाज एस्टैब्लिशिंग द साइंटिफिक सोसाइटी ऑन 9th जनवरी 1864। फिर उन्होंने 9 जनवरी 1864 को एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई जिसका की काम था कि वो पीरियोडिकल्स पब्लिश करेगी, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट एंड दी मंथली तहजीबुल अखलाक, ये दो गैजेट ये दो पीरियोडिकल वहां से पब्लिश हुए ताकि इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपने व्यूज और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, टू पब्लिश वैल्यूएबल ओरिएंटल वर्क्स टू अवेकन मुस्लिम्स एंड हिंदूज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन। उन्होंने बहुत सारा मतलब देशीय देशज देश में लिखे हुए लोगों का काम पब्लिश किया जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों को पता चले कि वेस्टर्न एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। To offer lectures on scientific subjects or others that are considered useful, उन्होंने scientific subjects और others पे lecture दिए जो कि useful थे। उन्होंने religious और modern sciences को एक करने का प्रयास किया जिससे कि English educated Muslims जो हों वो उन जो जिनको Islamic knowledge का कम ज्ञान है वो उनका भी हित साधा जा सके। और to advance the intellectual, social and moral well-being of the people, उन्होंने लोगों के बौद्धिक सामाजिक और नैतिक जन कल्याण के लिए काम किया, उसके एडवांसमेंट के लिए काम किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू प्रोवाइड फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिंदूज मुस्लिम्स क्रिश्चियंस एंड अदर इंडियंस अलाइक। ओके, तो सैयद अहमद खान मुसलमानों को चाहते थे कि वो शिक्षा से जो उनका पिछड़ापन है वो दूर कर दिया जाए, इसलिए वो इंग्लिश एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन के पक्षधर थे। वो चाहते थे ब्रिटिशर्स का साथ दीजिए, उनका विरोध मत कीजिए, तभी आप ये शिक्षा मिलेगी आपको और आपका एडवांसमेंट हो सकेगा, आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकेंगी, आपका पिछड़ापन जा सकेगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने हिंदू मुस्लिम सौहार्द के लिए एकता के लिए भी काम किया। वो यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी गए, फिर आने के बाद उन्होंने मेयो कॉलेज बनाया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात निकल कर आती है, और सब जगह उन्होंने मतलब बहुत सारा ऐसा जैसे ये साइंटिफिक सोसाइटी बनाई कि आप लिखिए पब्लिश कीजिए व्यू अपने एक्सप्रेस कीजिए फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए। तो इस तरह से मतलब उस समय के दौर में 1800 की बातें चल रही हैं, 200 साल लगभग होने वाला है, एक व्यक्ति जो इतना सोच रहा है इतना कर रहा है शिक्षा दीक्षा के लिए, तो निश्चित रूप से वो एक विजनरी आदमी विजनरी पर्सन थे। ठीक है, तो ये उनका एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये रह गया था मुझसे आपसे डिस्कस करने के लिए, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था इसलिए मैं इसकी पीपीटी नहीं बनाई भाई, बट यू कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली एटलीस्ट दिस टॉपिक एंड हिज आइडियाज। ओके, सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।